बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी की मौत से इंडस्ट्री में शॉक की लहर है। श्रीदेवी की डेथ कार्डियक अरेस्ट के चलते दुबई में हुई। वह वहां एक फैमिली फंक्शन में हिस्सा लेने गई थी, लेकिन उनकी डेथ की न्यूज बाहर आने से पहले ही अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया था, जिससे लग रहा है कि उनको अपनी आखिरी रास्ता और खुदा गवाह जैसी फिल्मों की कोस्टार की मौत का आभास हो गया था। अमिताभ बच्चन ने इस खबर के आने से कुछ ही घंटे पहले ट्वीट किया था कि वे कुछ घबराहट महसूस कर रहे हैं और इसकी वजह समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि बिग बी को श्रीदेवी की मौत का दुखद समाचार उनके परिवार में से किसी ने दे दिया हो। देखें अमिताभ बच्चन का ट्वीट। बताया जा रहा है कि श्रीदेवी की मौत बीती रात 11:30 के करीब हुई, और जिस वक्त यह घटना घटी उनके पति बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी खुशी उनके साथ थे। श्रीदेवी की बड़ी बेटी फिलहाल मुंबई में ही हैं और वे शूटिंग शेड्यूल के कारण परिवार के साथ दुबई नहीं जा सकी थीं। श्रीदेवी करीब 50 साल तक अभिनय की दुनिया में सक्रिय रहीं। उन्होंने 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। श्रीदेवी ने अपने वयस्क करियर की शुरुआत साल 1979 में हिंदी फिल्म 16वां सावन से की थी। हालांकि उन्हें बॉलीवुड में पहचान फिल्म 1983 में आई फिल्म हिम्मतवाला से मिली। उनके करियर की यादगार फिल्मों में सदमा, नगीना, कर्मा, चांदनी, लम्हे, चालबाज वगैरह शामिल हैं। 2017 में वे पर्दे पर फिल्म मॉम में नजर आई थीं।